वेलकम टू माय चैनल केड़ी दावत व्लॉग्स। सो फाइनली हम लोग निकल रहे हैं वन वीक के लिए कहीं बाहर, हैदराबाद जा रहे हैं। और यहाँ पे देखो मैंने बैग्स वगैरह सब रेडी करके रख लिया है। और यहाँ पे दिव्यांश भी खेल रहा है, देखो। चलो, अगर मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज, हम लोगों ने ऑटो बुक कर लिया है और हम लोग जा रहे हैं स्टेशन कल्याण स्टेशन थाने, और वहाँ से हैदराबाद में हम लोग उतरेंगे। ये देखिए कियांश को, ये हमेशा अपने बालों को सेट करते रहता है और स्टाइल में रहता है। इसका बिहेवियर मतलब एटीट्यूड ही अलग है, तो दोनों एकदम डिफरेंट है। और हमेशा कियांश है ना, मतलब सो के उठता है तो रोते हुए उठता है, पता नहीं उसको क्या हो जाता है। बट दिव्यांश सो जाता है ना, मतलब जब उठता है तो हंसते हंसते उठता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे स्टेशन पे आ गए हैं और हमारा जो ट्रेन है 1 आवर लेट है, तो हम लोग वेटिंग कर रहे हैं। सो गाइस, हम लोग को है ना सडनली हैदराबाद आना पड़ा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिज़नेस के सिलसिले में यहाँ पे हैदराबाद में काम था और साथ ही उनके कज़िन का मैरिज भी था। तो मैं सोची थी कि ये लोग हैदराबाद जाएंगे तो मैं सूरत जाऊँगी, बट दोनों बच्चों को लेके हैंडल करते हुए ट्रैवलिंग करना बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि दिव्यांश अभी छोटा है। इसलिए मैं सोची कि इनके साथ मैं भी हैदराबाद आऊँगी। तो हैदराबाद मतलब यार इतनी गर्मी थी ट्रेन में, क्योंकि अप्रैल और मई के सीज़न में इतना गर्मी रहता है, और मई नहीं से टाइम पे हम लोग को लगा कि थोड़ा ट्रेन में ठंडा ही होगा, क्योंकि एसी का टिकट नहीं मिला था। तो इनके पापा स्लीपर का टिकट निकाले थे, और स्लीपर के मतलब उसमें बैठे थे, इतना गर्म भाप आ रहा था कि बच्चे सो नहीं पा रहे थे, हम लोग भी बैठ नहीं पा रहे थे, पूरा स्किन एकदम जलन कर रहा था, क्योंकि वो विंडो में से गर्म गर्म भाप निकल रहा था। इनके पापा को तो नींद ही नहीं आया, बस बैठे हुए थे। और कियांश तो सोया नहीं था, मतलब वो 1-2 बजे रात को सोया था, और दिव्यांश तो बार बार रोने लग रहा था, मतलब सो रहा था, उठ रहा था, रो रहा था, कुछ खा भी नहीं रहा था। हम लोग को भी कुछ खाने पीने का मन नहीं किया था, इतना धूप था, इतना गर्मी बढ़ रहा था। फिर भी कैसे कैसे एडजस्ट करके आ गए थे हम लोग, क्या करें, फिर टिकट नहीं मिला था ऐसे। सो गाइस, आप कहीं पे भी जा रहे हो, ट्रेन में या फिर बस स्टेशन में, आपको कोई हैंडीकैप लोग देख रहे हो और कुछ सामान बेच रहे हो, तो प्लीज़ उन लोग के पास से ख़रीद लीजिएगा। अगर आपको नीड नहीं है तो भी ख़रीद लीजिए, क्योंकि वो लोग भीख नहीं मांग रहे, बल्कि खुद के मेहनत से वो कमा रहे हैं, खुद के मेहनत से वो अपना पेट भरते हैं। बल्कि कोई कोई तो ऐसे होते हैं, हाथ पैर सब कुछ अच्छे रहते फिर भी भीख मांगते रहते हैं, तो उन लोगों को भीख ना दीजिए, बल्कि ऐसे लोगों के पास से सामान खरीद लीजिए। तो मैंने भी यहाँ पे मुझे नेल कटर और कुछ टॉयज़ की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने ले लिया उन लोग से। सो गाइस, अभी रात के 7-8 बज रहे हैं, तो यहाँ पे दिव्यांश को बहुत गर्मी लग रहा है, तो वो कुछ खा भी नहीं रहा है और सो भी नहीं रहा है। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच गए हैदराबाद, अभी सुबह के बज रहे हैं 4:30। और जैसे हम लोग यहाँ पे उतरे हैदराबाद में, जैसे हम लोग यहाँ पे उतरे बारिश होने लगी थी हल्की हल्की, हम लोग को लगा कि भाई क्या अभी अप्रैल के महीने में बारिश क्या होती है, तो फिर भी थोड़ा थोड़ा सा और घर में होती कि ऐसे ही हो रहा होगा। फिर हम लोग ने मतलब ऑटो बुक की, ऑटो में बैठे थे। एक्चुअली हम लोग को ओला बुक करना था, लेकिन इनके पापा के मोबाइल में वो क्या बोलते हैं कि ऐप नहीं वर्कआउट हो रहा था, और मेरे मोबाइल में भी पता नहीं बुक ही नहीं हो रहा था ओला। तो हम लोग ने ऑटो में बैठ के आए थे, सोचे थे कि नज़दीक ही 15-20 मिनट का ही रास्ता है स्टेशन से और हमारे घर तक। जैसे ही बैठे थे अचानक से बारिश हो रहा था, इतना तेज़ बारिश, पूरा सब पानी भर गया था रोड पे एकदम सा। हम फिर हवा के साथ साथ पानी भी मतलब हमारे चेहरे पे आ रहा था, अंदर भर रहा था, फिर भी पूरा पानी भर गया था। हम लोग वहाँ पे रोड पे एक ब्रिज थी, तो ब्रिज के नीचे हम लोग ने थोड़ा वेट किया कि बारिश कम हो जाए, बारिश कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये देखिए दिव्यांशु, अभी घर पर आने के बाद उसको अच्छा फील हो रहा है, कि अंश भी फ्रेशनेस फील कर रहे हैं, वरना तो ट्रेन में तो रो ही रहे थे। से बारिश स्टार्ट हो गया हैदराबाद में, और ठंडी भी लग रही थी, है ना क्या तुझे ठंडी लगी ना? इतनी ठंडी लग रही थी कि हम लोग काम रहे थे, यू नो कि ट्रेन में गर्म हो रहा था, और जैसे उतरे ठंडी, एकदम सा क्लाइमेट चेंज हो जाता है। कहते हैं ना कि मतलब कुदरत के पास बहुत सारा पावर रहता है,
हमें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए थी। तो कल फील हुआ कि गर्मी इतनी दे रही थी कुदरत और अचानक से बारिश भी, कुदरत के साथ तो कोई जीत नहीं सकता। तो फिर भी हम लोग सोचे कि स्लोली स्लोली चलेंगे वरना बच्चे फिर बीमार पड़ेंगे, क्योंकि एकदम सा गर्मी में मतलब रह के फिर बारिश के मौसम में एंटर करेंगे तो क्लाइमेट की वजह से उनको फीवर भी होने के चांसेस रहते हैं। फिर यहाँ पे आए 1 वीक के लिए, फिर तबीयत ख़राब हो जाए तो मज़ा नहीं आएगा। तो हम लोग सोचे कि धीरे धीरे निकलते हैं। मैंने बच्चों को शॉल वॉल वगैरह ओढ़ा दिया। तो जैसे हम लोग घर के मतलब रास्ते में एंटर कर रहे थे, वहाँ पे इतना सारा पानी था, अंकल को है ना रिक्शा टर्न लेके फिर दूसरे रास्ते से जाना पड़ा। फिर दूसरे रास्ते से हम लोग यहाँ तक आए थे, मतलब थोड़ी दूर मतलब आधा किलोमीटर तक आए थे, मतलब मेरे घर से आधा किलोमीटर जितना दूर था, वहाँ पे एकदम पानी नदी की तरह बह रहा था। वो अंकल तो डर गए भाई मैं इसमें नहीं जाऊँगा, आप लोग को जाने तो पैदल चलो, पैदल कैसे जाएंगे, पूरा मतलब बह के चले जाएंगे, इस तरह से पानी आ रहा था। फिर हम लोग भी सोचे कि चलो टर्न मार के फिर दूसरे रास्ते से आएंगे। फिर दूसरे रास्ते से आए, वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा पानी तो भरा हुआ था, रिक्शे के अंदर आ गया था। फिर भी हम लोग मतलब अंकल ने धीरे धीरे घर तक लेके आए थे। फाइनली घर पे पहुँच गए, बहुत ही मतलब खुशी हुई थी क्योंकि इतना डेंजर क्लाइमेट मतलब था कि सोच नहीं रही थी कि हम लोग घर पे जाएंगे फिर। तो अभी घर पे आए तो लाइट भी चली गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी तेज़ बारिश होगी तो लाइट तो निकाल ही देंगे। फिर थोड़ी देर में लाइट आ गई, फिर हम लोग ने आराम किया क्योंकि रात भर तो नींद नहीं था और ट्रैवलिंग भी बहुत ही घटिया थी। तो आके फिर हम लोग सोए, अभी 10 बज रहे हैं, अभी हम लोग उठे और मैं सोची कि बच्चों को थोड़ा बड़ा नाश्ता खिलाऊंगी। तो दिव्यांश का मैंने सेरेलेक्स रेडी कर दिया है, कियांश अभी तो बिस्किट चिप्स खा रहा है, फिर देखते हैं नाश्ते में क्या लेके आएंगे। ये देखो दिव्यांश कैसे खेल रहा है और उनके डैडी चाय बिस्किट खा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय।